हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी बच क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको होम पेज पे ही एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट दिया गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से आप रिक्रूटमेंट को डिटेल्स देख सकते हैं एंड क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं डिटेल्स क्या दी गई हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है एंड यहाँ पर 14 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसी है। 4 अगस्त 2022 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर सब्जेक्ट हम देख लेते हैं, डेयरी केमिस्ट्री में 4 है, डेयरी इंजीनियरिंग में भी 4 है, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, डेयरी टेक्नोलॉजी में भी 2 है, डेयरी ट्रेड एंड डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट में 4 है, फूड बिजनेस मैनेजमेंट में 2 है, फूड प्लांट ऑपरेशन में 1 है, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में भी 2 है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में 1 है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है। कैटेगरी वाइज डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 3000 है, जबकि एससी एसटी के लिए यहाँ पर 1500 आपकी एप्लीकेशन फीस दी गई है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। डेयरी केमिस्ट्री के लिए एमटेक या एमएससी मांगा गया है, डेयरी केमिस्ट्री या फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में, जबकि डेयरी इंजीनियरिंग में एमटेक या एमई मांगा गया है, डेयरी इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जबकि डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में एमटेक या एमवीएससी या एमएससी मांगा गया है, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में या वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में मांगा गया है, डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एमटेक या एमवीएससी मांगा गया है, डेयरी टेक्नोलॉजी में या डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, या एनिमल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में है, या लेव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका डेयरी ट्रेड एंड डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री यानी एमएससी एमबीएससी एमबीए मांगा गया है, डेयरी इकोनॉमिक्स में या डेयरी एक्सटेंशन में या वेटरनरी बिजनेस मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, यहाँ पर एमटेक या एमबीए मांगा गया है, फूड बिजनेस मैनेजमेंट में या वेटरनरी में या एनिमल में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। फूड प्लांट ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर एमटेक या एमई मांगा गया है, फूड प्लांट ऑपरेशंस मैनेजमेंट में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास ये सभी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के लिए एमटेक या एमई मांगा गया है, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में या फूड इंजीनियरिंग में या प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में, या अगर आपके पास फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में है या फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट में आपकी एमटेक या एमएससी एमबीएससी डिग्री के अलावा आपके पास संबंधित सब्जेक्ट में यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या अगर आपके पास 2009-2016 से पहले की पीएचडी है तो आपको यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट से नेट स्लेट से आपको छूट यहां पर मिलने वाली है। एंड यहां पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके उनके सिक्योरिंग मार्क्स कम से कम 50% होने चाहिए तभी उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एंड यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 4 अगस्त दी गई है। तो देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए वेबसाइट पर विजिट करना होगा, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन फीस भी दी गई है एंड यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यस, ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब की डिटेल्स आपको, यानी किस सब्जेक्ट के आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा।
फुल नेम, लास्ट नेम एंड पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। पेमेंट की डिटेल उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करनी है। पेमेंट आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपकी अमाउंट क्या होगी, आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट किया जाएगा। देन आपको पे पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म को डिटेल बाई ऑनलाइन अप्लाई करके सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, देन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फिल करना है, अदर एक्टिविटी एंड अवार्ड है तो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पर डिटेल्स फिल करना है, पब्लिकेशन एंड जर्नल्स का फोटो अपलोड करनी है, डिक्लेरेशन एंड प्रिंट करना है। इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, सबमिशन आपको कर देना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।